हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है फ्रेडी तो फ्रेडी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है इस फिल्म की कहानी के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे उसका एक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाले फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नज़र आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमन नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रीक्वेंट के कैफे में जहाँ पे जाता है, रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एबूजिव हस्बैंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है केवरल मनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी। इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पर कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से 29 सितंबर 2021 को पेचवर्क के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि दस डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकअर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहां पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फ़िल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल में सैटेलाइट स्टार स्टार वर्जन होगा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पर भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज़ कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रह रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी सिंटोन इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमनी ने इस फिल्म में सीर मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फ़िल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पर कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से 29 सितंबर 2021 को पेचवर्क के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज इस फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साए और सोशियली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक करीन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओ दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इंग्लिश विधल स्टार्ड स्टार्ड एच डी चैनल के ऊपर फ्रेडी फिल्म आपको देखने को मिलेगी सैटेलाइट वर्जन होगा वो जो ओ टी टी से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हैविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर्क रामानी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नज़र आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स से वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमन नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायना का एब्यूजिव है जेनिफर पी सिंटोन इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवर मनी ने इस फिल्म में सीरीन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था चौदह सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से उनतीस सितंबर 2021 को इक्कीस को के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कम्प्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इर्साद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप YouTube पे ऑफिशियली टिप्स म्यूज़िक के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज़ फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जीन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता है उनको स्टाइलाइज किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मज़बूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट भेज दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एनएच स्टूडियोज़ नॉर्थ अन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज़ कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनाज का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिक्वेंट के कैफे में जहाँ पे जाता है रहा रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जत दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एबूजिव है जेनी पी ने इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका मनी ने इस फिल्म में सीर मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो 14 से 15 किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेच वर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ है सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर से अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने

जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज़ फ़िल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन द पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयर्न आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजिमन का रोल प्ले किया हुआ है जो काइनाज का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एब हजब जेनिफर पी ने इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवर्मनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहाँ पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी यह दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेच वर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन て जिसको आप YouTube पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवी शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फैक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नर्जिमन का रोल प्ले किया है जो कायना का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिक्वेंट कैफे के के में जहाँ पे जाता है रहा रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एबूजिव हजबेंड है जेनिपर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो 14 से 15 किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेच वर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इर्साद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर से अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने

कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन द पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयर्न आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजमन का रोल प्ले किया है जो काइनाज का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है, रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी सिंटोन इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरमनी ने इस फिल्म में सीरीन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहाँ पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फ़िल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी यह दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस को पेचवर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गा थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिकारीन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट डिजनी प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओ दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल सैटेलाइट स्टार स्टार वर्जन होगा वो जो ओटी टी से थोड़ा होने वाला है जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामानी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नज़र आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमन नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूसिव हस्बेंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस को पेचवर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप YouTube पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फ़िल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट भेज दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवरकर रमानी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज़ कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन द पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में राइमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिकुंट कैफे के, में जहाँ पे जाता है, रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूजिव है जेनिफर पी ने इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवर मनी ने इस फिल्म में सीरीन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नज़र आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूज़िक वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ का है जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी यह दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेच वर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली ऑफिशियल हम बात करें बताया कि डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहां पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल में सैटेलाइट स्टार स्टार वर्जन होगा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवी शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविल इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में राइमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिकुंट कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो है जो कायनास का एब्यूजिव हजब जेनिफर पी ने इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरमानी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहाँ पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस को पेचवर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गा थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के म्यूजिकल यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द देंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहां पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कातिकारीन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी टी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस हॉटस्टार वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओ टी टी दोनों राइट्स पे फिल्म आपको में प्लस के देखने को मिलेगी मिलेगी सैटेलाइट वर्जन होगा वो जो ओ टी टी से थोड़ा होने वाला है जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म के की सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फ़िल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायना का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिक्वेंट कैफे के में जहाँ पे जाता है, रहा रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जत दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी यह दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस को पेचवर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इर्साद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर से अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहां पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट डिजनी प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवी शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हैविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन द पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायना का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है, रह रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एब्यूजिव हजब जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवलमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहाँ पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस को पेचवर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फूकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गा थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द देंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिकारी की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओ दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एक्ता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फ़िल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग से वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी के अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमन नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनाज का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफ़े में जहाँ पे जाता है रहा रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जत दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फिल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेच वर्क के साथ कम्प्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफी सारी चीजें चेंज की हुई है जहां पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओ के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओ दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पर इस फिल्म के स्टारकास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो कायनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है, रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ जो कायनास का एबूसिव हस्बेंड है जेनिफर पी सिंटोन इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमनी ने इस फिल्म में सीर मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फ़िल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जहने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से 29 सितंबर 2021 को पेच को के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट्स है वो खरीदे हुए टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसका सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइक माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिकारी जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओ टी टी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट डिजनी प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओ दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल में सैटेलाइट स्टार स्टार वर्जन होगा वो जो ओटी टी से थोड़ा होने वाला है जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विद इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवीज शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेवीली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पे भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एक्ता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन एच स्टूडियोज नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म के की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने की हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन दी पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला काइनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रैमंड नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनाज का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी फ्रिक्वेंट के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जत दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो कायनास का एबूजिव हस्बेंड है जेनिफर पी इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरमनी ने इस फिल्म में सीरिन मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले हैं जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फिल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर वाला ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था चौदह सेप्टेम्बर तक इस फिल्म के क्लाइमैक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से उनतीस सेप्टेम्बर दो को पेचवर्क के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप YouTube पे ऑफिशियली टिप्स म्यूज़िक के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में एंजॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक आन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया और उसमें जान डाले हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इस इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता उनको है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप जरूर इंजॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज़ करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटीटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स

वहीं पे सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको टेलीविजन वाला वर्जन देखने को मिलेगा स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर फ्रेडी जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शशांका घोष ने जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है उसमें जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो असीम अरोरा ने लिखे हुए स्टोरी और स्क्रीन प्ले परवी शेख का है इसके अलावा एक और बात मैं आपको यहाँ पे फेक्ट के तौर पे बता दूँ कि द डेंटिस्ट करके एक अमेरिकन फिल्म आई हुई थी 1996 में उस फिल्म से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है हेविली इंस्पायर्ड है ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी होगी लेकिन उसका एक सीरीज़ के तौर पे फिल्में निकली थी डेंटिस्ट का दूसरा पार्ट भी आया था वो भी काफ़ी अच्छा था लेकिन फ्रेडी फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हुए मॉडर्न डे के हिसाब से क्योंकि वो नाइनटीन यानी कि पच्चीस छब्बीस साल पहले वो फिल्म आई हुई थी तो लगभग लगभग इंडियन एक कभी भी इंडियन ऑडियंस ने उस फिल्म को शायद बहुत कम ऑडियंस ने देखा होगा तो एक फ्रेश फिल्म के तौर पर भी इस फिल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का प्रोड्यूस किया हुआ है एकता कपूर सोए शोभा कपूर जय सेवर कर रामी और गौरव बोस इन्होंने इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है बालाजी मोशन पिक्चर्स एन स्टूडियोज़ नॉर्थन लाइट एंड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज़ कैंसिल करवाई गई थी तो फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टर वालों को अच्छी खासी प्राइस में बेचे हुए हैं इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अयंका बोस ने की हुई है एडिटिंग चंदन अरोरा ने किए हुई है जिन्होंने 124 मिनट यानी कि दो घंटे चार मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है तो ये फिल्म आपको काफी ज्यादा क्रिस्प नजर आएगी ऑन द पॉइंट नजर आने वाली है इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर जो है सिंटोन सेरेजो ने किया हुआ है जो सॉन्ग्स है वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल तीन गाने सभी को उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स के ऊपर तो वो टिप्स म्यूज़िक वालों ने खरीदे हुए हैं वहीं पे इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आयरन आपको टाइटल किरदार फ्रेडी रो के रोल में दिखाई देंगे जो डॉक्टर फ्रेडी जिन वाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक डेंटिस्ट है वहीं पे अलाया एफ यानी कि अलाया फर्नीचर वाला कायनाज ईरानी के रोल में दिखाई देगी करण ए पंडित ने इस फिल्म में रायमन नरजिमन का रोल प्ले किया है जो काइनास का बॉयफ्रेंड है और जो फ्रेडी के कैफे में जहाँ पे जाता है रहता है फ्रीक्वेंटली वहाँ पे वो सेफ है सज्जद दिल ने इस फिल्म में रुस्तम ईरानी का रोल प्ले किया हुआ है जो काइनास का एब्यूजिव हजब जेनिफर पी सिंटोन इस फिल्म में एवा का रोल प्ले किया हुआ है हर्षिका केवरलमनी ने इस फिल्म में सीर मिस्ट्री का रोल प्ले किया हुआ है तृप्ति अग्रवाल भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट कास्ट है जिन्होंने सभी टाइटल जो किरदार है जो में बेहतरीन जो मेन मेन किरदार है वो प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जुलाई 2022 को कंफर्म किया गया था कि कार्तिक आर्यन एक फिल्म करने वाले जहां पे वो एकता कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में वो डेंटिस्ट का रोल प्ले करने वाले जिसके लिए वो चौदह से पंद्रह किलो वेट बढ़ाने वाले तो ठीक उसी तरह उन्होंने एकता कपूर के साथ एक फिल्म की वो इस फिल्म में डेंटिस्ट का रोल है और उन्होंने करीबन चौदह किलो जितना वजन भी बढ़ाया हुआ है अलाया एफ को इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट पहली बार कास्ट किया गया था तो वो दोनों पहली बार एक साथ फिल्म में आ रहे थे और जवानी जाने मन के बाद उनकी ये दूसरी फ़िल्म थी इसके अलावा फ़िल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी जहां पर कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी अलाया फर्नीचर ने फिल्म के सेट को मिड अगस्त में ज्वाइन किया हुआ था 14 सितंबर तक इस फिल्म के क्लाइमेक्स के सीन्स को शूट कर लिया गया था फ़िल्म को पूरी तरह से 29 सितंबर 2021 को पेचवर्क के साथ कंप्लीट करवाया गया था बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट मिक्सिंग मास्टरिंग डबिंग एडिटिंग फाइनल कट के बाद सेंसर सर्टिफिकेट करवाते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ सॉरी इस फिल्म के जो गाने हैं वो प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे टोटल तीन गाने हैं जिसके राइट से वो खरीदे हुए टी सॉरी टिप्स म्यूजिक वालों ने जहाँ पे सभी गानों के लिरिक्स है वो इरसाद कामिल ने लिखे हुए है पहला गाना है काला जादू जिसके सिंगर थे अरिजीत सिंह निकिता गांधी दूसरा गाना है तुम जो मिलो जिसके सिंगर है अभिजीत श्रीवास्तव और श्रेया फुकान तीसरा गाना है तुझे प्यार करता हूँ जिसके सिंगर है राघव चैतन्य तो ये टोटल तीन गाने थे जिसको आप यूट्यूब पे ऑफिशियली टिप्स म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कॉन्सेप्ट के ऊपर जो साइको थ्रिलर वाला कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैंने बताया कि द डेंटिस्ट फिल्म से लिया गया है लेकिन फिल्म में हेवीली चेंज किया हुआ है सिर्फ जो एक बेसिक बेस पॉइंट होता है वही रखा हुआ है अदरवाइज फिल्म की कहानी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हुई है जहाँ पे डॉक्टर फेरेडी जिन वाला यानी कि कार्तिक का जो किरदार है वो एक साय और सोशली ऑकवर्ड डेंटिस्ट है जो मुंबई में रहता है जहाँ पे वो कई लड़कियों के साथ मल्टीपल डेट्स के लिए जाता है लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है तो, तो और इन्हीं सभी बीचों के बीच में उनका एक फ्रेंड भी दिखाया हुआ है जो एक टर्टल है जो पेट टर्टल है उसका वो फ्रेंड है तो बाद में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से दिखाया हुआ है धीरे धीरे कार्तिक आर्यन का जो साइको माइंड है वो पूरी तरह से एक साइको के टाइप पे दिखाया हुआ है उसके बाद में फिल्म में किस तरह से जो मोड आता है उसमें जो थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं सस्पेंस वो सभी अच्छी तरह से ट्विस्ट डाले हुए हैं जहाँ पे सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस खास करके कार्तिक करीन की जिन्होंने अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए अला या फर्नीचर वाला काफ़ी बढ़िया तरीके से रोल को खूबसूरती तरीके से निभाने में कामयाब रही है तो ये जो दो एक्टर हैं उन्होंने बखूबी फिल्म के किरदारों को काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ उसमें जान डाली हुए दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी बढ़िया थे इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे से फिल्म के एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिलती है जिस तरह से कार्तिक आर्यन का किरदार लिखा होता है उनको स्टाइलाइज़ किया गया था उनके लिए जो डायलॉग्स क्रिएट किए थे वो बढ़िया थे फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी तो इस तरह से ये फिल्म टेक्निकल मामले में भी काफ़ी मजबूत आती है नज़र और वैसे भी फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है जिसे आप ज़रूर इन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को पहले सोचा गया था कि थिएटर में रिलीज़ करें लेकिन बाद में मेकर्स ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि इस फिल्म को हम डायरेक्ट ओटीटी पे ही रिलीज करवाएंगे इससे पहले जब इस फिल्म को रिलीज करने का सोचा गया था तब करीबन ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले उसके हिसाब से फिल्म को बाद में ओटी के लिए डायरेक्ट बेच दिया गया जिसके राइट प्लस होस्टर वालों ने काफी बड़ी रकम देते हुए खरीदे हुए सेटेलाइट ओ दोनों राइट्स पे फ्रेडी फिल्म आपको फिलहाल में डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी इंग्लिश विधल स्टार्ड स्टार्ड एच डी चैनल के ऊपर फ्रेडी फिल्म आपको देखने को मिलेगी सैटेलाइट वर्जन होगा वो जो ओ टी टी से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि जो थ्रिलिंग मोमेंट है साइकोलॉजी वाले सीन से वो थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे तो गाइज आप ये फिल्म तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्स हिंदी वर्जन में

और म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू